Let's start with question number 4. It says x plus y is equal to y plus z, w plus z, sorry. So this is given. ये part जो है आपका given है कि x plus y किसके equal है? W plus z के. ये वाला पूरा मिला के और ये वाला पूरा मिला के they are both equal. This is given. And we have to prove that AOB is a line. तो हमें प्रूफ करना है कि ये एक लाइन है ए ओ बी. तो अब आप कैसे करोगे? यू कैन सी कि हमें पता है कि टोटल सम कितना होता है. अगर एक पूरा सर्कल हुआ है तो इट इज़ 360. मतलब सारे एंगल्स को अगर मैं मिला दूँ एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, इट इज़ इक्वल टू 360, राइट? क्योंकि हमें पता है सम ऑफ होल सर्कल विल बी 360 डिग्री. सो सबसे पहले यहाँ पे आपको गिवन क्या था उसी का हम यूज़ करेंगे. Let it be equation 1 and I will be using equation 1 in equation 2. अब x plus y की जगह कहना है write w plus z. x plus y की जगह हम क्या प्लेस कर देंगे? w plus z, क्योंकि हमें पता है कि x plus y किसके इक्वल है? w plus z के. So I can write x plus y की जगह w plus z and w plus z as it is, it equals 360. और W प्लस W कितना हो गया? 2W. और Z प्लस Z कितना हो गया? 2Z. नाउ वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन टेक टू कॉमन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. सो इट विल बी W प्लस Z इज इक्वल टू 360. और हमारे पास W प्लस Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट विल बी 360 ओवर 2. एंड वॉट इज 360 ओवर 2? इट इज़ 180 डिग्री. तो मतलब क्या हुआ कि W प्लस Z मिला के आपका क्या बन रहा है? 180 डिग्री. इसका मतलब हमें समझ आता है कि अगर W प्लस Z 180 है तो इसका मतलब हमारे दोनों एंगल्स किस पे हैं? एक स्ट्रेट लाइन पे. सो येस, दिस प्रूफ दैट AOB इज़ अ लाइन. सो दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5.